हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आपके अध्याय 9 खनिज। आज के इस टॉपिक में हम खनिज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देखेंगे, साथ ही साथ इससे एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर भी हम आज हम थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जो भी चीज़ बताऊंगा उसको ध्यान से समझिएगा और उन चीज़ों को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अध्याय 9 खनिज, इसमें है पहला खनन तथा उत्खनन। खनन तथा उत्खनन का स्थिर कीमतों पर खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का जीएसडीपी में भागीदारी, जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी में भागीदारी है वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए स्थिर कीमतों पर आपका जीएसडीपी में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र की भागीदारी है 24,421 करोड़ रुपए, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी का आपका 11.18% हिस्सा उसकी भागीदारी रखता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, स्थिर कीमतों पर खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जीएसडीपी में भागीदारी कितना है आपका 24,421 करोड़ रुपए, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी का आपका 11.18% भागीदारी रखता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए, हम आर्थिक सर्वेक्षण कौन सा पढ़ रहे हैं, हम आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहे हैं 18-19, लेकिन इस 18-19 के आर्थिक सर्वेक्षण में हमको कौन से आंकड़े पढ़ने होते हैं वित्तीय वर्ष 2017-18 का, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए, मुख्य बिंदु 2017-18 वित्तीय वर्ष 2017-18 के इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक प्रश्न आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में किस वर्ष या पिछले 5 वर्षों में किस वर्ष सर्वाधिक कमी दर्ज की गई, समझिएगा। खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में पिछले 5 वित्तीय वर्षों में किस वर्ष सर्वाधिक कमी दर्ज की गई, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2014-15 में आपका जो खनन तथा उत्खनन क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक कमी दर्ज की गई, और ये कमी था आपका -4.80%। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा, स्पेशली ईयर याद रखिएगा। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि किस वर्ष खनन उत्खनन क्षेत्र का पिछले 5 वर्षों में आपका सर्वाधिक कमी दर्ज की गई, तो वो है आपका वित्तीय वर्ष 2014-15 -4.80%। ठीक, देखिए मुख्य बिंदु 2017-18, इसमें खनिजों से प्राप्त राजस्व आय इसे समझिएगा। जो हमारा जो राजस्व प्राप्तियां होती है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं आपके लोक वित्त वाले टॉपिक में, लगभग 72,000 करोड़ के आसपास का हमारा जो राजस्व प्राप्ति हुआ है, तो उस राजस्व प्राप्तियों में से या राजस्व आय का जो लगभग आपके खनिजों से कुल राजस्व आय का खनिजों से, उसमें खनिजों की भागीदारी कितना, समझिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, खनिजों से प्राप्त राजस्व आय कितना, 49,111.41 करोड़ रुपए, यानी आपका 49,411, ठीक, मतलब 4,911.41 करोड़ रुपए, 4,911.41 करोड़ रुपए, ये क्या है, खनिजों से प्राप्त राजस्व आय। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 72,000 करोड़ के आसपास का आपका राजस्व आय प्राप्त हुआ, उस 72,000 करोड़ में से आपका ये 4,911.41 करोड़ रुपए आपका खनिजों से प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, 2 साल एग्जाम में बैक टू बैक ये प्रश्न आया था, ऑप्शन दिया था 4 ठोक, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि वित्तीय वर्ष आपका 2016-17 या 17-18 में या 18-19 में, अगर इस साल पूछा जाएगा तो आपसे 17-18 में पूछा जाएगा, खनिजों से प्राप्त राजस्व आय कितना रहा, ठीक, खनिजों से प्राप्त राजस्व आय कितना रहा, पेटेंट क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में उत्पादित खनिज मूल्य का देश के खनिज मूल्य का, देखिए छत्तीसगढ़ में उत्पादित खनिजों का मूल्य देश के कुल खनिज मूल्य का आपका 9.3% है, समझिएगा क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में उत्पादित खनिजों का मूल्य देश में उत्पादित कुल खनिज मूल्य का 9.3% है। देखिए, इस वित्तीय वर्ष 2017-18 में अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 95,000 करोड़
95,000 करोड़ के मूल्य के खनिजों का उत्पादन किया गया। उस 95,000 करोड़ के मूल्य के खनिजों में हमारे छत्तीसगढ़ का जो भागीदारी है वो है आपका 9.3%। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये प्रश्न भी एग्जाम में पीएससी और व्यापम दोनों में आया है। ये मुख्य बिंदु में जितने भी चीजें बता रहा हूं ये सारे के सारे, देखिए, एक ये आपके खनिजों का राजस्व आय, दूसरा उत्पादित जो आपका छत्तीसगढ़ में उत्पादित खनिज मूल्य का प्रतिशत, और तीसरा अभी हम पढ़ेंगे खनिजों के दोहन से जो राजस्व की प्राप्ति होती है वो। ये तीनों के तीनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के एकदम पेटेंट क्वेश्चन है, साल में होने वाले किसी न किसी एग्जाम में ये तीनों से प्रश्न बनते ही है। ठीक, तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में उत्पादित खनिजों का मूल्य देश में उत्पादित कुल खनिज मूल्य का 9.3% है। ठीक, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व आय का लगभग 27% राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। ठीक, देखिए, छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व आय का लगभग 27% राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। ये जो आंकड़ा है ना, ये आंकड़ा पिछले 3-4 सालों से चेंज ही नहीं हुआ है। समझिएगा, ये है क्या, इसको मत समझिएगा, जैसे मैंने यहाँ कितना बताया आपका, 4,9,4,9,1 से मतलब 4,911.41 करोड़ रुपए, इसको इससे कंपेयर मत कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया लगभग 72,000 करोड़ रुपए के आसपास का हमारा आपका राजस्व प्राप्ति हुई, अब उसका 27% निकालने जाएंगे तो 27% ये नहीं होगा। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें जो लाइन जो मैं बता रहा हूँ, जो लाइन अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको समझिएगा, क्या बताया गया है, खनिजों के दोहन से, ये जो खनिजों का दोहन है ना ये इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व आय का लगभग 27% राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। ये खनिजों का दोहन क्या होता है समझिएगा, देखिए, खनिजों से प्राप्त राजस्व आय इतना है, कितना, 4,911 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन ये जो खनिजों के दोहन से का मतलब होता है, जैसे कोयला है, कोयला खनिज है, अब उस कोयले का हम दोहन करेंगे, दोहन करके क्या बना सकते हैं, उससे पावर जनरेट कर सकते हैं, कोयले को जला करके उससे पावर जनरेट होता है, और आपके बॉयलर के जो आपके बॉयलर से स्टीम का डेवलपमेंट किया जाता है, बहुत सारे कार्य है। वैसे ही आपके जो लौह अयस्क है, लौह अयस्क के खनिज का आपका उत्पादन किया जाता है, उससे आपके आयरन इंडस्ट्री में उसका काम लाया जाता है, चूना पत्थर है, चूना पत्थर को उत्खनन करके उसका दोहन करके उसका सीमेंट उद्योग में काम किया जाता है, तो ये होता है खनिजों का दोहन। तो क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व आय का लगभग 27% राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये तीन पॉइंट बताया, तीनों के तीनों पॉइंट एकदम पेटेंट क्वेश्चन है, साल में अगर होने वाले किसी भी एग्जाम में इकोनॉमिक सर्वे वाले पोर्शन से भी खनिज से अगर प्रश्न बनना हुआ तो ये तीन जो आपके पॉइंट बताया है ये तीनों से एक न एक प्रश्न पूछेगा ही। देखिए, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास, ये है क्या, सबसे पहले समझिएगा, ये छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास है, ये अधिसूचित हुआ आपका 22 दिसंबर 2015 को। छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास ये अधिसूचित हुआ आपका 22 दिसंबर 2015 को। ये छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है आपकी खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्ति और क्षेत्र के विकास के लिए खनिज निधि की व्यवस्था करना। देखिए क्या बोल रहा है, खनन संक्रियाओं से, या उत्खनन संक्रियाओं से, मान लीजिए किसी एक गांव में आपका वहां पे कोई खनिज होने का आपका अनुमान लगाया गया, तो अब वहां पे उत्खनन कार्य किया जाना होगा, तो उससे पहले उस पूरे गांव को उठा के दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, या फिर कोई एक गांव बसा हुआ है उससे कुछ दूरी पर उत्खनन कार्य हो रहा है, उत्खनन कार्य के कारण वहां पे आपका पोल्यूशन हो रहा है। ठीक, तो कहीं ना कहीं आपका एक जो ग्राम है या कोई आपका जिला है उस खनन उत्खनन की प्रक्रियाओं से या संक्रियाओं से प्रभावित हो रहा है, तो उसके लिए लाया गया है आपका ये खनिज निधि यानी आपका DMF, डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड। इसमें क्या हो रहा है कि खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्ति और क्षेत्र, उसमें किसी एक व्यक्ति के जमीन पर भी खनन उत्खनन कार्य किया जा सकते हैं, कोई एक व्यक्ति विशेष भी प्रभावित हो सकता है, या कोई एक पूरा का पूरा क्षेत्र भी प्रभावित हो सकता है, तो खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्ति या क्षेत्र के विकास के लिए खनिज निधि की व्यवस्था करना, यह है आपका छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास। देखिए, जो छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास है
जो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ जो आपका जिला खनिज संस्थान न्यास है, ये आपकी केंद्र की योजना प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत इसे लाया गया है। तो इस प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 27 जिलों में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास की व्यवस्था की जा चुकी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, इसके अलावा आपको एक आंकड़े और अपडेट करना है इसमें, जो मैंने बोर्ड पे लिखा नहीं है शायद। ठीक, वो आंकड़ा आपको बता देता हूँ, बोर्ड पे मैं उसे लिख नहीं पाया हूँ, अभी याद आया मेरे को। हाँ देखिए, DMF की राशि क्या होती है, इसमें क्या होता है, जैसे जो आपकी DMF है, DMF क्या है, आपकी खनिज निधि है, ये DMF खनिज निधि है। ठीक, तो देखिए DMF की राशि क्या होती है, खनिज रॉयल्टी का 10-30%, जो खनिज की रॉयल्टी है, लिखने के लिए जगह नहीं है उसे लिख लीजिएगा, ये नीचे आपको स्क्रीन में दिखा देगा, खनिज रॉयल्टी का 10-30%। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये खनिज रॉयल्टी क्या होता है इसे हम आगे देखेंगे। तो याद रखिएगा, DMF के अंतर्गत जो आपके खनिजों से जो रॉयल्टी दर प्राप्त होता है, उस रॉयल्टी दर का 10-30% के आसपास आपका DMF फंड के रूप में जमा किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, अब समझिएगा, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम या CMDC, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये जो है इसका गठन कब हुआ, इसके गठन से भी प्रश्न आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम या CMDC का गठन हुआ है आपका 7 जून 2001 को, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। छत्तीसगढ़ के खनिज भवन का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ के खनिज भवन का नाम है आपका सोना खान। ठीक, बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ के खनिज भवन का नाम क्या है, आपका सोना खान। अब जो हमारे नई सरकार बनी है उसमें आपके कैबिनेट मंत्री को विभिन्न विभागों का बंटवारा किया गया है, तो जो इसमें जो खनिज विभाग है, खनिज विभाग किसको सौंपा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये प्रश्न अभी पिछले होने वाले कुछ एग्जामों में कंटिन्यू देखने मिले, जो कैबिनेट मंत्रियों का जो विभाग मिला है उससे प्रश्न कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। तो ये जो खनिज मंत्री है वर्तमान में, वो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इसके साथ साथ CMDC या आपके छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है पूछा जाएगा, तो वो भी है आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। शिवरत्न शर्मा थे पहले, पुरानी सरकार में थे, सरकार बदले हैं, अब विभिन्न विभागों के अध्यक्ष भी बदल रहे हैं, तो जैसे जैसे अपडेट होगा मैं आपको बताते जाऊंगा। तो वर्तमान में खनिज मंत्री कौन है या आपके CMDC या छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष कौन है, दोनों एक ही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ठीक, नेक्स्ट, खनन या खनिज में छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, सबसे पहले समझिएगा, देश में देखिए खनिजों के भंडारण में और खनिजों के उत्पादन में, दोनों आंकड़े अलग अलग है। खनिजों का भंडारण यानी छत्तीसगढ़ में कितने खनिजों का डिपॉजिट है, उत्पादन यानी कितने खनिजों का प्रोडक्शन किया जा रहा है, समझिएगा। तो आपका भंडारण में यानी कि उसके डिपॉजिशन के मामले में कितना आपका खनिज डिपॉजिट है हमारे छत्तीसगढ़ में एट प्रेजेंट, तो उस मामले में अखिल भारतीय स्तर पर भंडारण के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ है आपका तीसरे स्थान पर, जबकि प्रोडक्शन या उत्पादन के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ है खनिजों के उत्पादन के मामले में है आपके पांचवें स्थान पर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। देश में स्थिति क्या है, खनिजों के भंडारण के आधार पर छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है, जबकि उत्पादन या प्रोडक्शन के आधार पर देश में पांचवें स्थान पर है। अब देखिए राजस्व की प्राप्ति, जो खनिजों से जो राजस्व प्राप्त होता है उससे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो प्रदेश में जो खनिजों का उत्पादन होता है, तो किस खनिज से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है, आपके देखेंगे आगे, जैसे आपका कोयला है, लोहा है, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बॉक्साइट, टीन है, तो आपसे प्रश्न पूछा गया कि प्रदेश में किस खनिज से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक जो राजस्व की प्राप्ति होती है वो है आपका कोयला से सर्वाधिक आपके राजस्व की प्राप्ति होती है। अब देखिए किस जिले से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है, किस जिले से सर्वाधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति होती है, तो ये है आपका कोरबा। आप सभी को मालूम है वहां पे बहुत सारे आपके कोल माइंस हैं। ठीक, देखिए आपके कोयला से सर्वाधिक राजस्व मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है जब कोयला से सर्वाधिक राजस्व मिल रहा है तो आखिरकार जहां पे कोयले के माइंस सर्वाधिक होंगे वही जिला होगा जो आपका सर्वाधिक राजस्व देता होगा। तो याद रखिएगा कोयला से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है और कोरबा जिला ऐसा है जिसे जहां से आपका सर्वाधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति होती है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट,
ये है आपका खनिजों का भंडारण और एक है आपका खनिजों का उत्पादन। समझिएगा इसको, देखिए खनिजों का भंडारण पहले हम देखेंगे खनिज, उसके बाद है भंडारण जो कि है आपका मिलियन टन में, फिर प्रतिशत मतलब देश का कुल कितना प्रतिशत हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारण है उसका, उसके बाद है स्थान पूरे देश भर में कौन कौन से खनिज के लिए छत्तीसगढ़ का क्या क्या पोजिशन है पूरे अखिल भारतीय स्तर पर वो देखेंगे। देखिए पहले नंबर पर है आपका कोयला, कोयला जिसका भंडारण है हमारे छत्तीसगढ़ में 56036, समझिएगा 56036 मिलियन टन, 56036 मिलियन टन आपके खनिज कोयले का भंडारण है हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक, जो कि देश के कुल कोयले का लगभग 18.15%, देश के कुल कोयले का या देश में भंडारित कुल कोयले का 18.15% कोयला हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है, ठीक। इस कोयले के भंडारण के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है, कोयले के भंडारण के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है, ठीक। देखिए लौह अयस्क हमारे छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का डिपोजिशन है या आपका भंडारण है 4031, ठीक 4031 मिलियन टन का भंडारण है, जो अगर यदि हम परसेंटेज पे देखें तो पूरे के पूरे देश में भंडारित कुल लौह अयस्क का 19.59% यानी 19.59% आपके लौह अयस्क का भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में है, तो देश में जो हमारे छत्तीसगढ़ का इस लौह अयस्क के भंडारण के मामले में तीसरे स्थान पर है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका चूना पत्थर का भंडारण है हमारे छत्तीसगढ़ में 8959, ठीक 8959 मिलियन टन का हमारे छत्तीसगढ़ में आपके चूने पत्थर का भंडारण है, जो देश में भंडारित कुल चूना पत्थर का 4.84%, देश के कुल चूने पत्थर का 4.84% चूना पत्थर यानी 4.84% चूने पत्थर का भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में है, तो चूना पत्थर के भंडारण के मामले में हमारे छत्तीसगढ़ पांचवें स्थान पर है, ठीक। नेक्स्ट नंबर पर है आपका डोलोमाइट जिसका भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में है 919, जो कि देश में भंडारित या देश के कुल भंडारण का, देश में डोलोमाइट के कुल भंडारण का 11.37% भंडारण हमारे अकेले छत्तीसगढ़ में है, तो डोलोमाइट के भंडारण के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका बॉक्साइट का भंडारण है हमारे छत्तीसगढ़ में 168 मिलियन टन, जो कि देश के कुल बॉक्साइट का 4.49% बॉक्साइट हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है, और इस बॉक्साइट के भंडारण के मामले में अखिल भारतीय स्तर पर हमारा छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका टीन का अयस्क, एक प्रश्न और पूछा जाता है जो टीन के निम्नलिखित में से कौन सा एक टीन का आपका अयस्क है, कैसेटराइट यहाँ लिखा नहीं है मैंने, लेकिन इसे नोट डाउन करके रखिएगा, व्यापम में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टीन का अयस्क है, तो याद रखिएगा टीन के अयस्क का नाम है कैसेटराइट, ठीक। देखिए जो टीन अयस्क का भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में है लगभग आपके 30 मिलियन टन का, जो कि देश में भंडारित कुल टीन का लगभग 35.83% आपके टीन अयस्क का भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में है, और इस टीन के भंडारण के मामले में यानी सर्वाधिक भंडारण टीन का हमारे छत्तीसगढ़ में ही है, पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका टीन धातु, ये टीन अयस्क है या टीन धातु है, तो ये है आपका 15487 टन। देखिए मैं इसको फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि ये सीधे सीधे आंकड़े हैं, इस आंकड़े को आपको नोट डाउन करना है और आपको याद रखना है, इसलिए मैं इस चीजों को ज्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो टीन धातु जो कि है आपका 15487 टन, देखिए ये सब मिलियन टन में है, ये आपका टन में है, ठीक 15487 टन, जो कि देश के कुल भंडारण का 15.14% 15.14% टीन धातु का भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में है। इंपॉर्टेंट है, आंकड़ों को याद रखिएगा। अब बता रहा हूं कंफ्यूजन कहां होगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 का जो वर्तमान का जो पीडीएफ है आपके पास, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल वाला पीडीएफ होगा, उसमें कोयले का भंडारण तो यही लिखा मिलेगा आपको 56036, लेकिन यहाँ पे जो आपको परसेंटेज है वो परसेंटेज आपको देखने के लिए मिलेगा आपका 17.91%, समझिएगा इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 17.91% यानी 17.91%, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा आर्थिक सर्वेक्षण, गवर्नमेंट के आर्थिक सर्वेक्षण के बुक में, लेकिन ये आंकड़े मैंने उठाए हैं
छत्तीसगढ़ खनिज विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन 2018-19 से, जिसमें लिखा हुआ है जो यही आंकड़ा लिखा हुआ है, भंडारण कितना है 56036, जो कि देश में भंडारित कुल कोयले का 18.15% है। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े अलग दिए हुए हैं, प्रशासनिक प्रतिवेदन के आंकड़े अलग दिए हुए हैं, ऑफिशियली आपके खनिज डिपार्टमेंट के द्वारा जो आंकड़े बताए गए हैं वो है आपका 18.15%। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या पढ़ना चाहते हैं, 18.15 आप पढ़ना चाहते तो 18.15 याद रख सकते हैं, 17.91 पढ़ना चाहते हैं इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से तो उसे पढ़ सकते हैं, दोनों आंकड़े याद रखना चाहते हैं दोनों आंकड़े याद रख सकते हैं, लेकिन ये दोनों आंकड़े को याद रखिएगा। PDF में मैंने यही आंकड़ा दिया है जो प्रशासनिक प्रतिवेदन वाला आंकड़ा है, दोनों आंकड़े को याद रखिएगा। प्रश्न पूछ सकता है अक्सर ये कोयले से और लौह अयस्क के, इसकी डिपोजिशन से और इसके प्रोडक्शन से प्रश्न आता ही है। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका खनिज उत्पादन। खनिज उत्पादन के मामले में ये जो आपका आंकड़ा है ये है आपका वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए। तो खनिज देखिए, यहाँ खनिज है, यहाँ पे उत्पादन जो कि 1000 टन में है, भंडारण मिलियन टन में है, हजार आपका उत्पादन 1000 टन में है। ठीक, उसके बाद है आपका प्रतिशत, उसके बाद है आपका स्थान। एक चीज जिन किसी ने भी पीडीएफ लिया हुआ है वो एक माइनर सा आपका करेक्शन कीजिएगा, यहाँ पर मैंने उत्पादन के जगह भंडारण लिखा है, पीडीएफ में खनिज के उत्पादन के जगह मैंने यहाँ पे उत्पादन लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे बाई मिस्टेक भंडारण लिखा गया है। ये आंकड़े भंडारण के हैं, ये आंकड़े उत्पादन के हैं, ये भंडारण मिलियन टन में है, उत्पादन 1000 टन में है, यहाँ पर इतने को करेक्ट करके यहाँ पे जो भंडारण लिखा हुआ है उसको उत्पादन कर लीजिएगा पीडीएफ, जिनकी ने भी लिया हुआ है। ठीक, देखिए कोयला पहले नंबर पर है, कोयला जिसका उत्पादन हुआ वित्तीय वर्ष 2017-18 में उत्पादन हुआ है आपका 14,25,14 हजार टन। ठीक, प्रतिशत हम बाद में देखेंगे। लौह अयस्क जिसका उत्पादन हुआ है 34,856 हजार टन। चूना पत्थर जिसका उत्पादन हुआ है 35,154 हजार टन। डोलोमाइट जिसका उत्पादन हुआ ही नहीं वित्तीय वर्ष 2017-18 में, आपके इस डोलोमाइट का उत्पादन ही नहीं हुआ, यानी जीरो उत्पादन रहा। उसके बाद आता है आपका बॉक्साइट जिसका उत्पादन रहा 1901, उत्पादन कितना रहा 1901। ठीक, उसके बाद आता है आपका बॉक्साइट होगा, उसके बाद आता है आपका टीन का जो उत्पादन है, देखिए ये आंकड़े आपके 1000 टन में है, ये टीन का जो उत्पादन है ये किलोग्राम में है, ये 1000 टन में है, ये किलोग्राम में है, टीन का उत्पादन आपका 16757 16757 किलोग्राम का आपका टीन का उत्पादन हुआ। अब परसेंटेज समझिएगा, परसेंटेज क्या है, प्रतिशत के आधार पर देश में उत्पादित कुल कोयले का हमारे छत्तीसगढ़ से 21.01% कोयले का उत्पादन हुआ, देश के कुल कोयले का 21.01% कोयला हमारे छत्तीसगढ़ से उत्पादित हुआ। नेक्स्ट है लौह अयस्क, देश में उत्पादित कुल लौह अयस्क का 17.19% लौह अयस्क हमारे छत्तीसगढ़ से आपका उत्पादित हुआ। नेक्स्ट है चूना पत्थर, देश में उत्पादित कुल चूना पत्थर का 10.19% चूना पत्थर 10.19% चूना पत्थर या लाइमस्टोन हमारे छत्तीसगढ़ से उत्पादित हुआ। डोलोमाइट का तो उत्पादन हुआ ही नहीं तो परसेंटेज हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है बॉक्साइट, देश में उत्पादित कुल बॉक्साइट का 7.92% बॉक्साइट हमारे छत्तीसगढ़ से उत्पादित हुआ। उसके बाद है आपका टीन, देश में उत्पादित कुल टीन का पूरा का पूरा 100% पूरे देश भर में अकेले हमारे छत्तीसगढ़ में ही टीन का प्रोडक्शन होता है, टीन का उत्पादन होता है। ठीक, तो टीन का पूरा 100% उत्पादन रहा। अब समझिएगा, मार्केट में जो कुछ आर्थिक सर्वेक्षण के बुक दिए हुए हैं उसमें जो रैंकिंग है ये रैंकिंग थोड़ी आगे पीछे हो गई है। जैसे कि मैंने बताया आपको, जो ये आंकड़े बता रहा हूँ मैं आपके इकोनॉमिक सर्वे से और गवर्नमेंट के ऑफिशियली खनिज डिपार्टमेंट के द्वारा जो प्रशासनिक प्रतिवेदन जारी किया जाता है उससे आंकड़े बता रहा हूँ। तो देखिए उसमें जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण में ये जो आपका 10.19% जो मैंने यहाँ लिखा है जो कि प्रशासनिक प्रतिवेदन का है, और ये आंकड़े देखिए हम कौन सा पढ़ रहे हैं, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, लेकिन ये जो परसेंटेज है ये आपका वित्तीय वर्ष 2018-19 का है, 2018-19 का, समझिएगा ये भी है और ये भी आपका वित्तीय वर्ष 2018-19 का है,
रैंकिंग और परसेंटेज दोनों 18-19 का, ये प्रशासनिक प्रतिवेदन 2018-19 के आंकड़े। तो यहाँ पे जो आपका मैंने 10.19% लिखा है ना, वो गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वे में आपका 10.74 दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे जो मैंने आपका 7.92% लिखा है, वो गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वे में आपके 11.47% लिखा हुआ है। देखिए, मेरा काम आपको कंफ्यूज करना नहीं है, मेरा काम ये है कि आपको डाटा बताना, इकोनॉमिक सर्वे में क्या दिया है और ऑफिशियली खनिज डिपार्टमेंट के आपके प्रशासनिक प्रतिवेदन के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन में क्या दिया गया है, दोनों अलग अलग है। लेकिन मैं किसको लेके चल रहा हूँ, मैं प्रीफर कर रहा हूँ खनिज विभाग के ऑफिशियली प्रशासनिक प्रतिवेदन को। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा खनिज विभाग, छत्तीसगढ़ खनिज विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन 2018-19। आपका एक ऑफिशियली वेबसाइट खुलेगा खनिज विभाग का, वहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन रहता है प्रकाशन, वहाँ पे आप प्रशासनिक प्रतिवेदन को डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग 40 MB का एक फाइल है, उसमें देखिएगा, उसमें आपको इसका रैंकिंग और परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक, तो ये आंकड़ों को लेकर के मुझे कोई कमेंट मत कीजिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण में दूसरे आंकड़े दिए गए हैं। आप आर्थिक सर्वेक्षण के भी आंकड़े पढ़ सकते हैं, या जो मैं ये बता रहा हूँ, या जो आपको ऑफिशियली वेबसाइट बता रहा हूँ उससे जाकर के PDF डाउनलोड करके प्रशासनिक प्रतिवेदन के भी आंकड़े पढ़ सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक, लेकिन इसे पढ़िएगा और याद रखिएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं है, इसमें मिस्टेक निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपकी रैंकिंग। कोयले के उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है, कई जगह आपका पहला स्थान लिखा हुआ है, लेकिन प्रशासनिक प्रतिवेदन में, गवर्नमेंट के ऑफिशियली प्रशासनिक प्रतिवेदन में आपका दूसरा स्थान लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा वित्तीय वर्ष 2018-19 में कोयले के उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है, जबकि लौह अयस्क के उत्पादन के मामले में भी आपका छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है, चूना पत्थर के उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है, डोलोमाइट का उत्पादन हुआ नहीं तो रैंकिंग है ही नहीं, बॉक्साइट के उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है, जबकि टीन के उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर, क्योंकि 100% टीन का प्रोडक्शन होता है, तो छत्तीसगढ़ के टीन के उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ आपका पहले स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, सारे आंकड़े याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका रॉयल्टी दर। ये जो रॉयल्टी दर है, ये रॉयल्टी दर आपका वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए, रॉयल्टी दर आपके वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए है। तो देखिए, रॉयल्टी दर क्या होता है, जैसे आप सभी को मालूम होगा कि हमारे प्रदेश में खनिजों का उत्खनन दो आपके ऑफिशियली बोला जाए एक निगम के द्वारा किया जाता है। निगम मतलब एक होता है आपका NMDC, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और दूसरा होता है CMDC, छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो जो आपका NMDC है वो सेंट्रलाइज्ड कंपनी है, सेंट्रलाइज्ड कंपनी या जो कि आपकी केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत एक निगम है NMDC, जबकि जो CMDC है वो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत आपका निगम है। ठीक, तो जो आपका CMDC जो खनिज का उत्पादन करेगी और उस खनिज का उत्पादन करने के बाद उसका जो दोहन करेगी, तो उसके वो जो खनिज उत्पादन कर रहा है CMDC, तो राज्य सरकार अपने निगम के द्वारा जो खनिज का उत्पादन करेगा तो दोहन करने का अधिकार भी CMDC के पास है। लेकिन जो NMDC जो कि केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत जो एक निगम है, वो क्या करती है, हमारे छत्तीसगढ़ में उसने अपना सेटअप बना के रखा है दंतेवाड़ा में, वहाँ से वो आपका खनिज का उत्खनन करती है और उस खनिज का उत्खनन करके उसको भारत के अन्य राज्यों में या विदेशों में उसको एक्सपोर्ट करती है। जैसे NMDC का आपका जो NMDC के द्वारा जो बैला डीलर से जो आपका लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है, वो जापान तक जा चुका है। तो देखिए, राज्य हमारे राज्य में खनिज मौजूद है, उसका उत्खनन कौन कर रहा है, केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत एक कंपनी, और उसको भेज रही है अन्य राज्यों में और विदेशों में। इससे छत्तीसगढ़ का क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। तो इसके लिए लाया गया है आपका रॉयल्टी दर, यानी केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कंपनी हमारे राज्य में आकर के खनिजों का उत्खनन कर सकती है, उसके बदले में हर एक खनिज के उत्खनन के एवज में जो आपका जो केंद्र अधिकृत जो कंपनी है वो प्रति टन एक रॉयल्टी दर देगी। समझिएगा, प्रति टन एक रॉयल्टी दर देती है। जैसे आयरन ओर, सर्वाधिक एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि प्रदेश में उत्खनन किए जाने वाले खनिजों में किस खनिज का रॉयल्टी दर सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा आपके आयरन ओर का जो रॉयल्टी दर है वो सर्वाधिक है। प्रति टन आपके आयरन ओर के उत्खनन के लिए 450 रुपये
उसकी रॉयल्टी दर है, कोयले का रॉयल्टी दर है आपका 145 रुपए, बॉक्साइट का रॉयल्टी दर है 140 रुपए, चूना पत्थर का रॉयल्टी दर है 80 रुपए और डोलोमाइट का रॉयल्टी दर है 75 रुपए। यदि हम अधिक से कम की ओर जाए तो सर्वाधिक रॉयल्टी दर है आयरन ओर का, उसके बाद है कोयले का, उसके बाद है बॉक्साइट का, उसके बाद है चूना पत्थर का और सबसे कम रॉयल्टी दर है आपके डोलोमाइट का। ठीक, तो जो भी रैंकिंग बता रहा हूँ सारे रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, जो भी आंकड़े बताए गए हैं सारे आंकड़े अपडेटेड हैं, डिपेंड आपके ऊपर है। कोई भी कमेंट करके मत बोलना कि ये आंकड़े में करेक्शन होना चाहिए, मैंने बता दिया है। गवर्नमेंट के ऑफिशियली वेबसाइट से जाके प्रशासनिक प्रतिवेदन डाउनलोड कीजिए, उससे मैच करके पढ़िए। ठीक, मैं इसमें भी ये दावा नहीं करता, देखिए पीएससी और व्यापम ऐसे है कि किसी भी चीज़ को एक उस ऑथेंटिक सोर्स मान सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे को भी ऑथेंटिक सोर्स मान सकते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियली प्रशासनिक प्रतिवेदन को भी ऑफिशियल सोर्स मान सकते हैं। तो इसमें आप अपने विवेक के आधार पर डाटा को सेलेक्ट करके पढ़िएगा। ठीक, तो ये जितने भी चीज़ें बताई सारे के सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, किसी भी प्रकार डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।